हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MGU CAT 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का MGU CAT 2023 का गाइस फुल फॉर्म क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया था, इस एग्जाम को कंडक्ट करने की गाइस अथॉरिटी कौन सी है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर MGU CAT 2023 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MGU CAT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब गाइस, एंट्रेंस एग्जाम खुद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जो है गाइस MA, MSc, LLM, MA, MTT ऐसे कई सारे वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपको महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके एप्लीकेशन एंड एग्जाम दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो गाइस, ये तो सारी इसके हाइलाइट्स हो गई। अब इसके बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले इसकी डेट्स देख लेते हैं। तो गाइस, आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मई के एंड में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए, जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स के थ्रू या इवेंट्स की डेट्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट बात की जाए अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, या कोई भी गाइस जो डिटेल्स गलत एंटर करते हैं, तो आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि गाइस जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि क्या प्रिस्क्राइब साइज है, क्या प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है, एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से पे करनी है, डिटेल्स किस तरह से एंटर करनी है। वो लोग जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश करते किसी भी तरह और सबमिट नहीं हो पाता है। तो गाइस, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को जो है गाइस लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। या गाइस फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी तक इवन आपको पे करके बताई जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कास्ट के लिए 1100 और SC ST के लिए 550 एप्लीकेशन फी है। सो मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए गाइस आप लोग का बैचलर्स डिग्री रहना जरूरी है आप लोगों के पास विथ 50% मिनिमम, ऐसा आप लोगों का जो 50% मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ पे रहने चाहिए। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे। तो गाइस आप लोगों को जो है 1 hour 30 minutes की ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। गाइस नेक्स्ट अब बात करें आप लोगों के सिलेबस की, तो सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो कंप्लीट डिटेल सिलेबस डिस्कस करना गाइस यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इस वजह से गाइस सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एडमिट कार्ड की। तो गाइस एडमिट कार्ड में बेसिक सी डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर सब्जेक्ट्स टाइमिंग ये सारी डिटेल्स रहती है, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ, किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या उसका प्रोसेस है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो प्रॉब्लम, इसलिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दिएगी जिस पर सिंपली एक क्लिक के थ्रू वीडियो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट एंड आंसर की। तो गाइस आई होप अभी आप लोग MGU CAT 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।